नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे भाजपा के गढ़ में दरार, और इसके लिए विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रदेश भाजपा के गढ़ में दरार पड़ चुकी है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार एक पदाधिकारी ने सीधे ही आलाकमान तक चिट्ठी पहुंचाई है कि गढ़ में किस तरह दरार पड़ चुकी है। प्रताप जी, क्या लगता है आपको कि ये जो पहले जो फूट थी, विधायकों तक थी, आपसी कलह थी, लेकिन अब जो कार्यकर्ता है उनमें भी संतोष यहाँ पर नजर आ रहा है? क्या बोलना, वैसे भी राजस्थान गढ़ों का राज्य है और हम मानते भी हैं विरासत है हमारी, पूर्व ये जो विरासत है अब तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय धरोहरें भी बनी बन चुकी हैं। कुल मिलाकर भाजपा के लिए भी कई गढ़ थे यहाँ, और गढ़ में इसी तरह से वही हाल हो रहा है जिस तरह से हमारी इन विरासतों का हो रहा है। जो आमेर गढ़ का हाल हो रहा है, जो चित्तौड़गढ़ का हाल हो रहा है, वही भाजपा के इस जयपुर गढ़ का हाल हो रहा है। खुद जिस तरह से आमेर के और चित्तौड़ के नागरिक उसके सेंध लगाने में लगे हुए हैं, नींव को उखाड़ने में लगे हुए हैं, कुल मिलाकर ऐसे ही हाल यहाँ भाजपा के नेता और पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता सब मिलके लग रहे हैं किसी तरह से इस गढ़ की जमीन को उखाड़ के नेस्त नाबूद कर दिया जाए। कुल मिलाकर भाजपा में इस समय जो चल रहा है, ऐसा लगता है कि इस गढ़ को ध्वस्त करने की कोशिश सभी ओर से हो रही है। जी बिल्कुल प्रताप जी, और क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से कार्यकर्ता परेशान है, उनकी परेशानी यहाँ पर दिखी भाजपा आलाकमान को भेजी गई एक ईमेल में। आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की जान होते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ी समस्या है कि आखिर विधायक बड़े हैं या फिर संगठन, या फिर संगठन की आपसी फूट। प्रदेश भर में भाजपा के हालात कुछ ठीक नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में शिकस्त देकर साबित कर दिया था कि अब भाजपा की फूट में लूट है। उसके बाद धड़ों में बटी भाजपा के वही ढाक के तीन पात हैं। राजनीतिक तौर पर कुछ कमजोरियां, कुछ आपस की एक मतभेदों की बात कई बार सामने आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये एक सामान्य सी बात है जिसको समय आने पर दुरुस्त किया जा सकता है। इसलिए बीजेपी को संगठनात्मक तौर से और राजनीतिक तौर पर मैं कांग्रेस से अभी अव्वल मानता हूं। हकीकत पर गौर किया जाए तो भविष्य में शहर की 7 सीटों पर कब्जा करने का दावा करने वाली भाजपा के 4 विधायक तो पूरी तरह से गफलत में हैं। जब भाजपा के विधायक ही पार्टी के कार्यक्रम और प्रशिक्षण शिविरों से नदारद रहे तो फिर कार्यकर्ता कहां जाएं? लेकिन भाजपा के कुछ नेता और ही कुछ कहते हैं। जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने तय की है, उन नीतियों के बारे में कभी भी कोई मतभेद पार्टी में सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, इसलिए मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद। विधायकों और संगठन की खींचतान में कार्यकर्ता अपने आप को टूटे से महसूस करते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कार्यकर्ता को सर्वोपरि मानने वाली भाजपा आलाकमान पार्टी के अंदर की हकीकत से किस तरह निपटेगी। जी हाँ, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, बीजेपी में कुछ यही हालात हैं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की व्यथा को देखें तो कार्यकर्ता भले ही जोश में हो, लेकिन उनके अंदर की व्यथा साफ है। नितिन गडकरी से लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं ने लिखित में शिकायत भेजी है कि जिस तरीके से विधायक और संगठनों में बन नहीं रही है, विधायक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आना अपनी तौहीन समझते हैं। उससे साफ पता चलता है जिस तरह से भाजपा ने सांसद की सीट जिस तरह से लोकसभा में खोई थी, उसी तरीके से विधायकों की सीट भी, जो भाजपा लंबे समय से काबिज होती आई है, खो देगी और कांग्रेस उसी सीट की तरह, लोकसभा की सीट की तरह कब्जा कर लेगी। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ ऐश्वर्य प्रधान, एचबीसी न्यूज जयपुर। तो कार्यकर्ता किस तरह से परेशान है, इसकी वानगी देखने को मिली उस ईमेल में जो कि एक दुखी कार्यकर्ता ने भेजी भाजपा आलाकमान को। पूनम, वो कार्यकर्ता नहीं, वो पदाधिकारी है, तो और प्रदेश का पदाधिकारी है, और पदाधिकारी अगर ये लिख रहा है कि हम जो जयपुर की सीटों को खो रहे हैं, तो इसमें समझ जाना चाहिए कि भाजपा के हालात क्या है, पहली बात तो। और
वैसे अभी भाजपा के नेता घनश्याम तिवारी कह रहे थे कि हमारी नीतियां बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल, लेकिन उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि नीयत क्या है, आखिर मैं कार्यकर्ताओं की नीयत क्या है, क्योंकि नीति तो बहुत अच्छी है, किताबों में पढ़ी है और भाषणों में चलती है, इनके शिविरों में भी नीतियों की बात होती है, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे की अलहदा दिखने वाली पार्टी की नीयत जब खराब हो जाती है वहां के कार्यकर्ताओं की, समझ में नहीं आता कि आखिर किस हिसाब से भाजपा अपने आप को ए ग्रेड वाली पार्टी बोलती है कि उनमें इतनी इतनी मतलब संगठन और एकता है कि भाजपा पार्टी को जो प्रदेश भाजपा उसको ए ग्रेड मिली है, क्या इसी बेस पर कि कार्यकर्ता परेशान है विधायकों में आपस में बन नहीं रही है? शायद ग्रेडिंग के लिए उन्होंने अपने मायने तय मापदंड तय किए, उसमें ये है कि जिस शहर में जिस इकाई में ज्यादा झगड़े होते हैं उसको ए ग्रेड देते हैं, तो शायद ऐसा लगता है कि जयपुर को इसलिए ए प्लस ग्रेड मिला होगा क्योंकि इतने ज्यादा झगड़े हैं कि जब से यहाँ पार्टी का की इकाई का गठन हुआ है तब से ही रूस के बैठे हुए हैं, इतना तो शायद के कई भी दशक से नहीं रूसी हुई थी जितने यहाँ के विधायक यहाँ के शहर अध्यक्ष से रूठे हुए हैं, और बीच बीच में वो आ जाते हैं लेकिन बहाने ऐसे बनाते हैं कि रूठे हुए हैं, कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है क्योंकि अब बहुत ज्यादा अब चुनावी माहौल बनना शुरू हो जाएगा और ऐसे में पार्टी की ये स्थिति और अपने ही कार्यकर्ताओं से टकराव, अपनी ही इकाई से टकराव जो जनप्रतिनिधियों का जो साफ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी अगर ये भाजपा दावे करती है कि हम सरकार में आ रहे हैं जयपुर में अपने गढ़ में खुद ही कब्र खोद रहे हैं अपने पार्टी की और कह रहे हैं कि अगर सरकार में आ रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे एक शेख चिल्ली के ख्याली पलाव है और शायद लगता है कि भाजपा शेख चिल्ली बनने जा रही है। जी बिल्कुल प्रताप जी, इस तरह की अगर स्थिति यहां पर रही तो आने वाले चुनाव में भाजपा को खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। के बाद हाजिर है बड़ी खबर में। हम बात कर रहे थे कि भाजपा के गढ़ में किस कदर दरार पड़ चुकी है कि न सिर्फ विधायक बल्कि कार्यकर्ता भी परेशान है। जहां विधायक प्रताप जी आपस में एक दूसरे की कलह से गुटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं तो वहीं कार्यकर्ता भी दुखी हो चले। कितनी शर्म की बात है कि कार्यकर्ता जो होता है पार्टी की नींव होती है और नींव जो है वही खोती जा रही है भाजपा पार्टी प्रदेश में। पूनम, अगर भाजपा की बात करें तो एक उनके नेता से बात हो रही थी कि मैंने कहा कि आपकी पार्टी की इतनी हालत क्यों खराब है, क्यों आपस में इतना लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई इतने तो लड़ाई पति पत्नी के बीच में भी नहीं होती, आपके कार्यकर्ता और विधायक आपस में इतना क्यों लड़ते हैं, तो उनका कहना था कि जिंदा लोग ही लड़ते हैं, तो ये पार्टी जिंदा है इसलिए लड़ती है। तो कुल मिलाकर भाजपा की अपनी नीतियाँ हैं कि वो इसलिए लड़ती है क्योंकि जिंदा दिखने के लिए लड़ती है। कुल मिलाकर भाजपा में लड़ाई चलती रहती है लेकिन उनको जिंदा दिखती है। जब चुनाव जैसे जैसे निकट आएंगे तो पता चलेगा कि ये जिंदा दिले कितने उनके काम आई, कितनी पार्टी के काम आई, तब पता लगेगा, पार्टी चारों काने छित नजर आएगी और जिंदा दिली केवल रह जाएगी। तो कुल मिलाकर पार्टी में इस समय जो हालात है वो ये है कि ऊपर कोई नेतृत्व दिखाई नहीं देता, नेतृत्व ऐसा नहीं है कि इस आपसी लड़ाई को खत्म कर सके, ऐसा कोई प्रेरणादायी नेतृत्व भी नहीं है जिसके सहारे बाकी कार्यकर्ता जिसकी बात मानते हो, तो इस समय जो बड़े बुरे हालात बने हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बुरे हालात बने हुए हैं भाजपा के, पता नहीं किस नीति को लेकर जी रही है कि कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता विधायक भी अब नजर नहीं आते हैं पार्टी के कार्यक्रमों में। क्या है ये पूरा मंजर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। कार्यकर्ता पार्टी की नींव होते हैं, कार्यकर्ताओं से ही पार्टी बनती है, लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान में बीजेपी पार्टी की तो लगता है कि पार्टी बस एक नाम रह गया है। कार्यकर्ताओं का बढ़ता हुआ असंतोष और विधायकों को खुद का पार्टी से ऊपर समझना अब पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये कहना है पार्टी के ही एक कार्यकर्ता का, जिसने नितिन गडकरी को एक ईमेल में लिखा है कि भाजपा विधायक मुगालते में जी रहे हैं। सात सीटें जीतने का दावा करने वाले विधायकों के हाथ आगामी चुनावों में एक भी सीट नहीं आने वाली। कार्यकर्ताओं की ये भी शिकायत है कि भाजपा विधायक जब किसी कार्यक्रम में जाना अपनी तौहीन समझते हैं तो ऐसे में चुनावों में उन्हें वोट कौन देगा। इससे पहले भी कार्यकर्ताओं ने विधायकों से अपने क्षेत्र में न आने और कार्यकर्ताओं का काम
ना हो पाने की शिकायतें की हैं। और तो और जब पेट्रोल के दाम आग उगल रहे हैं, ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा एक भी बयान नहीं आया है। ऐसे में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की आपसी फूट जहां जग जाहिर हो गई है, वहीं विधायक अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। कार्यकर्ता नाराज हैं और जब पार्टी की नींव ही हिल चुकी है तो विधायक और नेता अपने आप को किस आधार पर पार्टी से ऊपर मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो एक दिन भारतीय जनता पार्टी इतिहास की पार्टी बन जाएगी। प्रदेश भाजपा के क्या हालात हैं ये तो देख लिया आपने कि किस कदर यहाँ पर रेलम पेल लगी हुई है। कार्यकर्ता परेशान है, विधायक नजर नहीं आते हैं पार्टी के कार्यक्रमों में। लेकिन क्या है जमीनी हकीकत प्रदेश में बीजेपी की, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान। ऐश्वर्य, क्या लगता है आपको कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा ही यहाँ पर परेशान हो चुके हैं बीजेपी पार्टी से? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये कार्यकर्ता अब इस कदर व्यथित हो चुके हैं क्योंकि संगठन और विधायकों की जिस तरह से बातें सामने आ रही है, कार्यकर्ता देखते हैं कि वो उत्साह से आते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, लेकिन उनका उत्साह तब खत्म हो जाता है जब वहां पर विधायक मौजूद नहीं होते, उनका उत्साह वर्धन करने वाला टीम लीडर कोई भी नहीं होता। और उसके पीछे का अब बिल्कुल उसके पीछे के जो कारण है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। पार्टी मूक बनी हुई है, शायद पार्टी को कहीं ना कहीं डर है जनप्रतिनिधियों को लेकर, या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। ऐश्वर्य, ऐसा कहते हैं कि जहां चार बर्तन होते हैं वहां बर्तन तो बसते ही रहते हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा हो रहा है सुबह से शाम तक बर्तन ही बसते रहते हैं और कुछ नहीं होता, तो इस बारे में क्या कहोगे? क्या जो घर की मालकिन है उसमें योग्यता की कमी है या और कोई कारण है? बिल्कुल, योग्यता की बात तो तब सामने आती है, बिल्कुल क्लियर कट बात है कि घर के बर्तन हैं, बज रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम तक जब बर्तन बज रहे हैं तो बर्तन बजने का एक बड़ा कारण यह है कि बर्तन बजाए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले की भी घटना है कि जो कल भारतीय जनता युवा मोर्चा जयपुर शहर के कार्यकर्ता आए, उस बात को लेकर दूसरे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि ये जो पदाधिकारी बनाए हैं इन्हें किससे पूछकर बनाए, पार्टी के साथ जुड़े नहीं रहे, इनको किस तरह से पदाधिकारी बना दिया, लेकिन उनके तार कहां से जुड़े हैं ये सोचने की बात है। एक और ऐश्वर्य, पिछले एक डेढ़ साल से तो पार्टी में वैसे तो कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, लेकिन ये विरोध का कार्यक्रम लगातार हो रहा है, क्या ये कोई सेंटर से कोई निर्देश है कि विरोध के कार्यक्रम आपस में करो और अपने आप को जिंदा रखो, या आपस में ही कोई विशेष दूसरी बात है? ये बात तो सोचने की बात है। सेंटर के निर्देश अगर बाले आला कमान के निर्देश तो ये है कि पार्टी को फूट से उबारो, लेकिन पार्टी फूट से उबरने को तैयार नहीं, एक नेता दूसरे नेता की सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ अपनी अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश है। एक नेता से जब बात की जाती है कि प्रशिक्षण वर्ग में आप क्यों नहीं गए, तो वो कहते हैं कि क्या होता है प्रशिक्षण वर्ग, क्या होता है प्रशिक्षण वर्ग में जाने से। जब उनसे कहा जाता है कि पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है, आपसे नाराज है, तो किसकी औकात है? जब ये कोई नेता इस कदर बोलने को तैयार हो जाए तो उससे साफ पता चलता है कि अब उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पार्टी यानी कि संगठन से किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। ऐसा जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों आखिर जनप्रतिनिधियों का जो मोह है कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कम होता जा रहा है धीरे धीरे? जनप्रतिनिधियों के मोह की बात करें तो जब कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़कर काम करता है उसके बाद ही जनप्रतिनिधि से जुड़ता है, लेकिन जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं किसी गफलत में आकर ये सोचने लगता है कि ये सारा कार्यकर्ता मेरा बनाया हुआ कार्यकर्ता है। जब अहम उसके अंदर जागृत होता है, अहम उसके अंदर आ जाता है जनप्रतिनिधि के अंदर, तो फिर वो ये समझने लगता है कि पार्टी मेरे से बड़ी है। और अभी कुछ पार्टी में हालात यही है कि जब ऊपर के हालात यही हो तो नीचे के हालात तो बिल्कुल साफ तौर पर ही ऐसे देखे जाएंगे, पार्टी कई धड़ों में बढ़ जाए। ऐश्वर्य, एक बात बताओ, जिस तरह से पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि यहाँ सूपड़ा साफ हो रहा है, गढ़ में सेंध लग चुकी है, नितिन गडकरी को जो लेटर लिख के कहा गया है, क्या लगता है कि ऐसे हालात बन चुके हैं भाजपा के? बिल्कुल, नितिन गडकरी को जो लेटर लिख के दिया है उसने अकेले की व्यथा नहीं है, उसने कई कार्यकर्ताओं की व्यथा दर्शाई है। कई कार्यकर्ता इतने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जाएं या फिर कार्यकर्ताओं से गाहे बगाहे मिले तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती है कि शायद हमारी सरकार बन जाती यदि हमारे नेताओं में फूट नहीं होती। बस उनकी व्यथा सामने जब जाहिर होती है वो कहते हैं कि हम किस तरफ भागे, हम किसके नेतृत्व में जाएं, हम वसुंधरा खेमे में जाएं, हम अरुण चतुर्वेदी खेमे में जाएं, या फिर हम किसी और के खेमे में जाएं, कहां जाएं? उनको सरकार बनती दिखाई देती है, लेकिन जब उनकी आस जब टूट जाती है, जब उनके नेता ही पार्टी से दूरियां बना लेते हैं।
धन्यवाद अशोक से पूरी जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से भाजपा के गढ़ में सेंध लग चुकी है, दरार पड़ चुकी है। न सिर्फ विधायक बल्कि अब कार्यकर्ता भी परेशान है। आखिर कौन सी नीति से भाजपा चल रही है, ये उनकी टीआरपी